During COVID, we were one of the first organizations that responded to COVID-19 emergency. उसके बाद हमने एक यूनिसेफ के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो सेफ स्कूल्स पे, और उसके हमारे जो पार्टनर हैं समग्र शिक्षा के साथ कर रहे हैं. तकरीबन अभी तक हमने 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और इसके अलावा तकरीबन 4,000 से 5,000 टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी, और हमने कुछ 45 मॉडल स्कूल्स डेवलप किए हैं जिनमें हमने फुट ऑपरेटेड हैंड वॉशिंग स्टेशंस लगाए हैं, सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स और इंसेनरेटर्स लगाया है, और उसके अलावा IEC मटेरियल वगैरह लगाया है. और हमारा एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो एडोल्ट्स एंड गर्ल्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे है, जिसमें हम फ्री सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. और उसके अलावा हमारा जो आपको पता है, हम यूथ लीडरशिप पे बहुत काम करते हैं, और उससे यूथ लीडरशिप का जो है, दिस इज़ वन ऑफ द यू नो कंपोनेंट्स ऑफ यूथ लीडरशिप, जिसमें हम वी आर प्रमोटिंग विमेन लीडरशिप बेसिकली. इस हवाले से हम वी रिक्वेस्ट जनरल पीपल कि जो भी उनको लगता है कि इस अवार्ड, जो ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, दोज हु डिजर्व दिस अवार्ड, दे शुड इमिडिएटली नॉमिनेट देम, बिकॉज हमारी जो नॉमिनेशन की डेडलाइन है वो 13 दिसंबर 2020 है. जैसे मैंने कहा कि हमारा अभी सेफ स्कूल्स प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो बिल्कुल खालिस बच्चों के लिए ही हैं. और हमारा जो है अल्फा इंटरनेशनल का, अगर आपको पता है, फुल फॉर्म है, दैट इज़ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड फॉर ऑल. और हमारा जो मैंडेट है, वी वर्क ऑन एजुकेशन. हमने बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर की है, और आपको पता है, आप कोविड के दौरान भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, और बहुत सारे लोग थे जिनके पास अद्वियात नहीं थी या राशन. आप खुद आए थे एक बार राशन डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने. तो हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि हम एजुकेशन पे काम करें, और खासकर बच्चों के लिए काम करें. बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो यही मकसद है कि जितना हमसे हो सके यहाँ की जो आवाम है उनकी फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए हम काम करें. बट हमारा जो है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत प्लान है, जैसे मैंने आपको कहा, लीडरशिप पे, एजुकेशन पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे. उसके अलावा जब भी कभी भी ज़रूरत होती है, नीड होती है, हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चैरिटी वगैरह वो भी करते हैं. बट मेन जो हमारा मकसद है, मैंडेट है, दैट इज़ एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड लीडरशिप. जैसे आपको पता है कि होप यहां पर है जी, देखिए हम जो है कि आपको ये समझना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन हर कुछ जो काम है वो नहीं कर सकते, सब कुछ खुद से नहीं कर सकती है. तो इसलिए हमारे जो दूसरे एनजीओ पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ नेटवर्किंग में, कोलैबोरेशन में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, कभी कभी हमारे पास कोई बच्चा आया जिसकी टांगे या बाजू एम्पुटेटेड है, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब्स चाहिए, तो उस के लिए हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो आर्टिफिशियल लिम्ब्स प्रोवाइड करते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं.